हेलो इट्स एस टू राइट रॉक योर डे विद पीका न्यूज हैशटैग 4 वीकली पोकेमॉन न्यूज जो आपको पोकेमॉन फ्रेंचाइज के बारे में बिल्कुल अपडेट कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज से जो कि है पोकेमॉन गो की। तो रजी ड्रैगो आ चुका है पोकेमॉन गो में। अगर आपको उसको पकड़ना है तो एलीट रेट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उससे आप रजी ड्रैगो को कैच कर सकते हो। अगली न्यूज है तो पोकेमॉन कंपनी ने 2019 में अनाउंस किया था जिस पोकेमॉन गेम को पोकेमॉन स्लीप, उसका टीजर लॉन्च हो चुका है। गेम में बेसिकली आपको पोकेमॉन कैच करने रहेंगे, पर उसमें आपको कुछ ग्राइंडिंग वाइंडिंग करने की जरूरत नहीं। आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपकी स्लीप के बेसिस पे, आप कितना सोते हो उसके ऊपर। नेक्स्ट न्यूज है तो पोकेमॉन कंपनी अपने स्टॉप मोशन एनिमे में काम कर रही है जिसका टीजर ट्रेलर लॉन्च हो गया, जिसका नाम है पोकेमॉन कॉन्सील जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगा। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करेगी हारू जो कि एक यंग लेडी होगी और उसका पोकेमॉन साइडक जो लोग एक रिजॉर्ट विजिट करेंगे जो कि पूरा पोकेमॉन से भरा होगा। अगली न्यूज है पोकेमॉन यूनाइट से तो दो नए पोकेमॉन ज्वाइन करने वाले हैं पोकेमॉन यूनाइट को। एक है गुड्रा जो कि मार्च 16 तक रिलीज हो जाएगा और अगला है लैप्रस जो कि मिड अप्रैल तक आपको पोकेमॉन यूनाइट में मिल जाएगा। न्यूज तो पोकेमॉन कंपनी ने जो वीडियो रिलीज किया था उसमें कई सारी चीजें तो थी, पर एक और थी स्कारलेट और वॉयलेट का DLC और उसी के साथ हमें नए कई पोकेमॉन दिखाए गए जो कि उस DLC आइलैंड में होंगे। साथ ही साथ हमें दो नए पैराडॉक्स पोकेमॉन मिले जो कि थे विरिजियन और सुईकून। तो अब ये दोनों कैचेबल भी हो गए हैं स्कारलेट और वॉयलेट में, इनको आप टेरा रेड बैटल से पकड़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज तो पोकेमॉन पैल्डिया रीजन पे जो सीरीज आने वाली है उसका हमें ट्रेलर दिखा और उसमें लीको और रॉय के बारे में काफी और चीजें पता चली और साथ में दो और नए और मेन कैरेक्टर दिखे जो कि थे प्रोफेसर फ्रीज और उसका पार्टनर पिकाचू कैप्टन पिकाचू। अगली न्यूज तो पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी अब नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुका है, तो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट न्यूज तो आप जानते होंगे पोकेमॉन स्कारलेट और वॉयलेट में पैराडॉक्स पोकेमॉन है, तो वैसे एक रेडिट यूजर है ड्रेक बॉय 13, उन्होंने चारिजार्ड के लिए एक फ्यूचर पैराडॉक्स फॉर्म बनाया है, देख सकते हो स्क्रीन पे। ये बेसिकली इंस्पायर्ड है चारिजार्ड एक्स से, मेगा चारिजार्ड एक्स से। न्यूज तो पुलिस को मिले $400,000 के पोकेमॉन के आइटम्स जो कि चुराए गए थे। तो जो हैल्टन रीजनल पुलिस थी उसने नियरली $500,000 के कलेक्टिबल आइटम जो कि पोकेमॉन से जुड़े उनको पाया। इस चोरी में दो लोग शामिल थे, स्टोनी क्रीक और हैमिल्टन। लास्ट न्यूज है कि पोकेमॉन यूनाइट के सक्सेस के बाद अब पोकेमॉन कंपनी थोड़ा और फोकस करेगी नॉन पोकेमॉन गेम्स में जो कि नॉर्मल कैचिंग वैचिंग पे डिपेंड नहीं करते हैं। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट पीका शो में। तब तक के लिए बाय बाय।